हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स ऐप जो है ठीक से वर्क नहीं हो रहा है, क्रैश हो रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। आप शॉर्टकट का यूज़ कर विंडोज़ 11 की सेटिंग ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ऐप्स का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ऐप्स एंड फीचर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में क्लिक कर टाइप करना है नेटफ्लिक्स। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटफ्लिक्स शो हो जाएगा, तो आप थ्री डॉट्स पर क्लिक कर एडवांस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फिर आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप रिपेयर के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स ऐप रिपेयर हो रहा है, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर रिसेट के ऊपर क्लिक कर फिर से रिसेट के ऊपर क्लिक करना है। नेटफ्लिक्स ऐप रिसेट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ओके। उसके बाद आप इस सेटिंग को क्लोज़ कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको फिर से विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। सेटिंग ओपन होने के बाद आपको जो है यहाँ पर स्क्रॉल करना है, फिर आप जो है यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है विंडोज़ स्टोर ऐप्स, ओके। यहाँ पर रन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कम्प्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे दोस्तों आपके पास ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो आपको सेटिंग को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको रन कमांड ओपन करना है। आप यहाँ पर विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आर प्रेस कीजिए, रन कमांड ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर टेम्पोररी फाइल्स को डिलीट करना है, इस तरीके से टाइप कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर आपको टेम्पोररी फाइल्स शो हो जाएंगे, ऑल फाइल्स को सेलेक्ट कर यहाँ पर से आप इसको ईजिली डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से, ओके। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम एंड लैंग्वेजेस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए और डेट एंड टाइम पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास डेट एंड टाइम रॉन्ग है, तो यहाँ पर आपको इश्यू हो सकता है, तो आप डेट एंड टाइम को एक बार चेक कीजिए। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए, पीसी को रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।